आज की मेरी रेसिपी है गुड़ और आटे के लड्डू। सबसे पहले मैंने आटे को भूनने के लिए रखा, फिर उसके बाद एक नारियल कद्दूकस किया। नारियल कद्दूकस करने के बाद मैंने उसे एक प्लेट में निकाला। उसके बाद भुने हुए आटे को मैंने छल्ली में छाना, जिससे उसकी छोटी मोटी गांठें उसी में ही रह जाएं। मैंने कढ़ाई में लगभग 150 ग्राम तिल लिए और उसे अच्छे से रोस्ट किया, जिससे उसका कच्चापन ना रहे। उसके बाद मैंने छोटे इमाम जस्ते में उसको निकाला और उसे हल्का दरदरा करके पाउडर बनाया। मैंने 300 ग्राम गुड़ लिया और उसे छोटे टुकड़े में किया। उसके बाद छोटे पतीले में गुड़ को डाला और उसमें हल्का सा पानी डाला। पतीले को मैंने गैस पर रखा और उसे जब तक गर्म किया तब तक गुड़ के टुकड़े पिघल ना जाए। फिर मैंने भुने हुए आटे में तिल, नारियल और मूंगफली को अच्छे से मिक्स किया। आटे को मिक्स करने के बाद मैंने घी गरम किया। गले हुए गुड़ को मैंने आटे में डालकर अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद मैंने उसे थाली में जमाया और बचे हुए पेस्ट के लड्डू बनाए। उसके बाद मैंने थाली में बर्फी के पीसेस कट किए। पीसेस कट करने के बाद मैंने उनको सर्व किया। ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।